तो दोस्तों आज के स्टूडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पागल हैं कि किसी तरह से मेरे चैनल पर सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं यूट्यूब से लाखों रुपये महीने कमाना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाने तो यहाँ पर आपको सिंपल से आपके वीडियोस पर व्यूज़ लाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने चैनल से पैसे अच्छे खासे यहाँ पर कमा सकते हो। अगर यहाँ पर आप किसी तरह से अपने चैनल को सिर्फ मोनेटाइज करना चाहोगे तो आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, बट यहाँ से आप पैसे उतने नहीं कमा पाओगे जितने आप यहाँ पर कमाने के सोच कर लेकर यहाँ पर आप यूट्यूब पर आए थे। और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम का मतलब कुछ नहीं होता, अगर आपके वीडियो का ग्राफ ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर सिर्फ एक घंटे में या फिर दो घंटे में ही आपके इन दोनों क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाता है आपके चैनल पर। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपका वीडियो यहाँ पर मैटर करना चाहिए कि आपका वीडियो यहाँ पर कैसा और उसके ऊपर यहाँ पर व्यूज कैसे आ रहे हैं, आपका वीडियो यहाँ पर रैंक कैसे कर रहा है। तो इस तरह से आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से पैनल के थ्रू जाते हैं और वहाँ पर 5000-10000 रुपए देके अपने चैनल को यहाँ पर मोनेटाइज करवा लेते हैं। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना। मान लो कि अगर आप अपने चैनल पर जाते हो और उसके बाद 5000-10000 देके अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते हो और उसके ऊपर उसके बाद आपके चैनल पर व्यूज भी नहीं आते, क्योंकि जो वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स जो आपके आ रहे हैं वो यहाँ पर सिर्फ पीसी से आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पेज को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर आपके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो इस तरह से तो वो लोग तो आपके वीडियोज़ को वहाँ देखने नहीं वाले, वहाँ पर तो वही लोग आपके वीडियोज़ को देखेंगे जो यहाँ पर 100-150 जितने भी यहाँ पर व्यूज आ रहे थे। तो यहाँ पर आपके चैनल पर उतने ही व्यूज आएंगे भले आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद वो लोग आपके वीडियो को पीसी में तो देखने नहीं वाले, क्योंकि जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ आपने उनको पैसे पे किया उसके बाद आपका मतलब खत्म। आप सिंपल से आप अपना काम करो जिस तरह से कर रहे थे, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका, अब जितना आपके चैनल पर व्यू जाएगा उस तरह से आपका रेवेन्यू बनेगा। तो यहाँ पर आपको नहीं करना ऐसा, क्योंकि मान लो कि अगर आपके चैनल पर 100-150 व्यूज आते हैं तो 100-150 व्यूज ही वाले अपने चैनल को पैनल के थ्रू सब्सक्राइब करवाते हैं और वॉच टाइम गेन करवाते हैं। अगर किसी के चैनल पर 2-3 हज़ार अगर व्यूज आता तो वो पैनल के थ्रू नहीं आता, उसके चैनल पर ऑलरेडी वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप मान लो कि आपके चैनल पर 100 या 150 व्यूज अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके चैनल पर टोटल एक महीने में कितने व्यूज आ जाएंगे, यहाँ पर मान लो कि 3000 या फिर 4500 व्यूज आ जाते हैं। 4500 व्यूज आने के बाद यहाँ पर अगर मान लो कि आपका पहले वाला कोई वीडियो अगर चल रहा है तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं अब टोटल आपके चैनल पर पूरे महीने में 50000 मान लीजिए व्यूज आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है इसमें कंटेंट क्या है कि हमारा यहाँ पर 1.5 से 2 हज़ार के बीच में अगर इतना व्यूज आता है तो हमारा $1 यहाँ पर रिवेन्यू बनता है। और यहाँ पर कई सारे तो ऐसे चैनल है जो यहाँ पर टेक चैनल नहीं है, तो उनका क्या होता है कि यहाँ पर लगभग 5-5 हज़ार में $1 बनता है। तो आपका यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर मान लो 50000 व्यूज आया हुआ है और अगर 2000 से उसको डिवाइड करते हैं तो आपको टोटल मंथ में यहाँ पर सिर्फ $25 ही यहाँ पर अर्निंग होगा। और यहाँ पर जो गूगल एडसेंस का जो पैसा होता है वो यहाँ पर $100 होने के बाद आता है। तो अगर यहाँ पर आप इस तरह से काम करते हो तो आपके 4 महीना में आपका जो यहाँ पर $100 कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके 4 महीना बाद यहाँ पर 8000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। तो अगर आपको अच्छे से पैसे कमाना तो यहाँ पर आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागना, यहाँ पर आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना कि आप कितने अच्छे तरह से अपने वीडियोस को बना सकते हो, अपने कंटेंट को बना सकते हो जिससे कि आपके वीडियोस पर अच्छे तरह से व्यूज आएं। यहाँ पर मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि कितना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकूँ ताकि मेरे भी वीडियोस पर यहाँ पर व्यूज आए। मैं यहाँ पर कभी पैनल के थ्रू यहाँ पर सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम यहाँ पर कभी नहीं बढ़ाने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो वो सारे 150 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आपके देखेंगे नहीं, सबका यहाँ पर नोटिफिकेशन जाने वाला है। तो यहाँ पर आपका चैनल को देख सकते हो कि कितना यहाँ पर ग्राफ डाउन होने वाला है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मोनेटाइज कराना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर व्यूज लाना सबसे बड़ी बात है ताकि आप अपने चैनल से अर्निंग कर सको। और दोस्तों अगर आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज करवाना है तो यहाँ पर मान लो कि 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है अगर उसको मिनट में कन्वर्ट करते तो यहाँ पर होता है 2,40,000 मिनट। तो यहाँ पर अगर आपके चैनल पर 2,40,000 व्यूज अगर आ जाते हैं, 2.5 लाख व्यूज आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी व्यूवर्स अगर आपके वीडियो के ऊपर क्लिक करता है तो कम से कम वो 1 मिनट तो जरूर ही देखेगा आपके वीडियो को। तो यहाँ पर 2.5 लाख व्यूज आने के बाद आपका जो वॉच टाइम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स तो वैसे भी आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इतने व्यूज जाते हो तो आपके वॉच टाइम और क्राइटेरिया और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स का सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको पैनल के पीछे यहाँ पर नहीं भागना, बस यहाँ पर आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना कि कितने अच्छे तरह से आप अपने कंटेंट को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, आपने अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से आपको करना है। अगर यहाँ पर आप अपने चैनल को पैनल के थ्रू अगर सब्सक्राइब बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, बट यहाँ पर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। व्यूज लाने के लिए आपको अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब आपके चैनल पर व्यूज आएंगे और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर लेना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।